हाय, आई एम सी पीयूष गुप्ता। आज से 2 ईयर्स पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों आपको जीएसटी की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए। उस वीडियो पे बहुत व्यूज आए हैं और स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आए, उसके स्कैम से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस थे। कुछ क्वेश्चंस भी थे जो उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो उनके कमेंट्स थे और जो उनके क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे, उन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, जीएसटी फ्रेंचाइजी आप अगर ले रहे हैं तो वो किसी भी कंपनी की ले रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं प्रिंसिपल्स आपको बताने वाला हूँ ना, वो ऑल ओवर सेम ही रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, चाहे वो कोई सुविधा केंद्र है या कुछ भी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आप वहां पर उस कंपनी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, आप वहां पर उस कंपनी के बेस पर एक एजेंट बन के रह जाते हैं। प्रोसेस ये होती है कि क्लाइंट आपके पास आएगा, क्लाइंट आपसे डील करेगा और आप उनकी जो रिटर्न फाइलिंग करना या ए टू जेड कोई भी काम है वो आप हैंड ओवर कर देंगे किसको, फ्रेंचाइजी को, जिस भी कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ली है। ठीक है, उस कंपनी को आप फॉरवर्ड कर देंगे, अब वो कंपनी आपका वर्क करेगी। मेरा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, कभी भी ना आपको एक सिंगल कंपनी या सिंगल पर्सन के ऊपर अपना पूरा बिजनेस और पूरा करियर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया था कि अगर जैसे हम देखते हैं मोटोरोला एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी थी, टिकटॉक हुआ करता था कि बहुत टॉप प्लेटफॉर्म हुआ करता था, इसी तरीके से नोकिया भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोडेक आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। ये कंपनीज वो थी कि एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनीज थी, जिसमें से कुछ कंपनीज बंद हो चुकी है और कुछ आई है तो अभी भी उस लेवल पे वर्क नहीं कर रही है जिस लेवल की वो पहले हुआ करती थी। अब आप ये सोचो, जो कंपनीज या जो प्लेटफॉर्म सिर्फ इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहे उनका क्या हुआ होगा। जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ मोटोरोला के लिए काम करती थी या मैं कहता हूँ कोडेक के लिए काम करती थी, कोडेक के बंद होने से उनका बिजनेस भी बंद हो गया। तो मेरा कहना ये होता है कि आप हमेशा अपने ऊपर डिपेंड रहो, क्योंकि अगर एक बिजनेस बंद हो रहा है तो उसके कारण आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपको एजेंट बन के रहना है या फिर अपना ऑनर बनना है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो कस्टमर चाहते क्या है कि आप उनको सर्विस दें। कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता है कि आप काम अपने आप कर रही हैं किसी से कराएंगे, लेकिन कस्टमर को मैटर ये करता है कि वो आपके पास आए हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। अगर आपको डिटेल में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस की नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि जैसे मैं कहूँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, आपका ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, जिसका आप आईटीसी कब ले सकते हो, कब नहीं ले सकते हो, कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, अगर ये चीजें आपको नहीं पता, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। अब वो क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ, अगर क्लाइंट से आपने 1000 रुपीज लिए, 1000 रुपीज में से कुछ फीस आपने उस कंपनी को पे कर दी, अगर मैं कह रहा हूँ 250 रुपीज आपने पे कर दिए, तो 250 रुपीज पे करने के बाद आपके पास सिर्फ 750 रुपीज बचे। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है, पहले तो क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, दूसरी चीज क्या है कि आपको फीस भी शेयर करनी पड़ रही है, और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर उस कंपनी ने सपोर्ट ओवर द टाइम डाउन कर दी, मान के चलो मैं कहता हूँ कि आज अच्छी कर रहे हैं लेकिन एक साल बाद उनकी सर्विस डाउन हो गई, आपका बिजनेस हैम्पर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि सर हमने ना एक्स वाई जेड इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया या इस फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे हमारे पैसे डूब गए, उसके बाद ना तो हमें सर्विस मिली ना हमें कोई भी फैसिलिटी मिल पाई है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए, अपनी स्किल्स डेवलप करिए और उसके बाद आप अपना वर्क कर रहे हो तो कर सकते हो। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आपके माइंड में और भी आता है, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स हमसे टैक्सेशन और अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं उनके माइंड में भी आता है कि सर टैक्सेशन और अकाउंटिंग का कोर्स तो हम कर लेंगे या वो सारी चीजें सीख लेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बट उन चीजों का क्या जो सिर्फ हम फ्रेंचाइजी लेके कर पाते हैं, जैसे पैन कार्ड से रिलेटेड हो गया, लाइसेंस से रिलेटेड हो गया या ए टू FSSAI लाइसेंस हो गया, इस तरीके की बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे भी ना मेरा रिकमेंडेशन आपको क्या रहेगा कि आपको डिसाइड करना है कि आपको छोटे 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 200 रुपए वाले काम बहुत सारे पकड़ने हैं या बड़े स्टैंडर्ड लेवल के काम करने। मेरा सजेशन क्या रहता है कि अगर आप रियली में अर्न करना चाहते हो, एक अच्छी इनकम चाहते हो और एक लॉन्ग टर्म करियर अपना प्लान कर रहे हो, तो आपको ऐसे वर्क पे फोकस करना चाहिए जिस वर्क में अर्निंग आपको ज्यादा हो और टेंशन थोड़ी कम हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कंसल्टेंसी, टैक्सेशन और अकाउंटिंग का काम हो गया, बुक कीपिंग, अगर आप किसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं
और वीक में 1 आवर भी दे रहे हैं तो भी आप मंथली 4 to 5,000 रुपीज आराम से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, बैंक लोन के लिए रिपोर्ट बनती है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, ये ऐसे वर्क है जहां पे 1,000 to 5,000 रुपए एक क्लाइंट से आप चार्ज कर रहे हो। ठीक है, बात समझ रहे, एक क्लाइंट से 1,000 to 5,000 चार्ज कर रहे हो। और क्लाइंट अभी क्या होगा, आपके पास 100 क्लाइंट है तो भी आप बहुत बड़ी अमाउंट अर्न कर रहे होंगे और आपको सिर्फ 100 क्लाइंट्स को टैकल करना है। लेकिन वो जो 100-150 रुपए वाला वर्क होता है ना, वहां पे क्लाइंट आएंगे, हेडेक होगा और आप उसी में उलझे रह जाओगे, कभी भी लेवल हाई क्वालिटी वर्क नहीं कर पाओगे। अगर आप पूरा जानना चाहते हो ना कि कैसे टैक्सेशन फील्ड में बिना किसी फ्रेंचाइजी के, चाहे आपको जीरो नॉलेज है और आप 10th पास आउट ही क्यों ना है, आप कैसे मतलब इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, कैसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह 25 लाख रुपीज प्लस ईयरली अर्न कर सकते हो, बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, बट विद कैलकुलेशन सारी चीजों को समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाकर आप पूरी वीडियो देखिए, वहां पर मैंने पूरे अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है।